हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो काफी सारी एक्साइटमेंट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल पर काम करना, और एसक्यूएल पे कैसे काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में वो देखेंगे हम। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना होगा। यहां से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लिया। मेरे पास 2007 वर्जन है, आपके पास जो भी वर्जन हो सेम काम करने का तरीका लगभग ऐसा ही है सब में। ब्लैंक डेटाबेस चूज किया हमने, जो आमतौर पर हम करते हैं क्रिएट पे क्लिक किया, तो ये इस तरह का कुछ व्यू हमारे सामने आता था, ठीक है। और यहां पर दो व्यू हमें दिखाई पड़ते थे, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू, ठीक है। हमें करना क्या है, यहां से इसको कट करना है, इसको बंद करना है, क्लोज करना है। तो यहां से इसको कट कर दिया हमने, तो अभी कोई भी व्यू हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेरी डिजाइन में भी हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए, जैसे ही हमने क्वेरी डिजाइन वाले बॉक्स को क्लोज किया, यहां पे एसक्यूएल व्यू आ गया। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे क्लिक करिएगा और एसक्यूएल व्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो यहां एक ऑप्शन सेलेक्ट का आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब यहां पे हमें कैसे डेटा क्रिएट कराना है वो बताने वाला हूं। तो चलिए आइए देखते हैं, आपको एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। हमें सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे हम, तो यहां पे टेबल क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है क्रिएट टेबल। यहां पे लिखिए क्रिएट, ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना है टेबल। तो यहां लिखता हूं मैं टेबल, ओके। क्रिएट टेबल लिखने के बाद हम इस टेबल को नाम दे देंगे, जैसे मैं यहां पे नाम दे देता हूं मार्कशीट, या फिर स्टूडेंट रिकॉर्ड कर देता हूं यहां पे, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ओके, ये लिख दिया हमने। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और स्मॉल ब्रैकेट बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाना है, स्मॉल ब्रैकेट, छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है ना वो बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए ये बना लिया हमने। अब यहां पर जो जो टाइटल्स हमें देने हैं वो यहां पे देंगे, जैसे सपोज कीजिए मुझे देना है स्टूडेंट आईडी, तो मैं यहां लिखता हूं एसटीयू, ठीक है, ये लिखा हमने, अंडरस्कोर लगा लेते हैं, अंडरस्कोर, तो यहां अंडरस्कोर आईडी, तो यहां आईडी दे दिया हमने, आई कैपिटल कर लेता हूं मैं, आई डी, ओके। तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और वो क्या होगी, इंटीजर फॉर्म में होगी, किसमें होगी, इंट में, इंट इज अ कीवर्ड फॉर इंटीजर। नॉट, यहां पर लिखेंगे नॉट नल, मतलब इसको हम नल नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया इतना काम, ओके। इसके बाद हम कॉमा देते हैं, इसके बाद और भी रिकॉर्ड्स हमें इनपुट कराने हैं, कॉमा यहां होगा, प्राइमरी की लिखा है हमने, तो यहां पे कॉमा देंगे हम, ठीक है। तो अब हमने ये कर लिया, अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर देंगे लास्ट नेम, ठीक है, यहां लिखा लास्ट और नेम, ये लिखा हमने। ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जैसे ही गैप देंगे आप तो एरर आएगी, तो आपको गैप नहीं देना है, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं वेरिएबल सी एच आर कैरेक्टर, ठीक है, वेर कैर, ये आपको लिखना है, और यहां पर इसकी साइज को मेंशन करना है। मैं यहां पे 50 साइज दे देता हूं, आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे यहां पे आप 30 भी साइज दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 30 रहने देते हैं। और यहां पे लगाएंगे कॉमा, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पे हमें देना है फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ठीक है, और उसका फोन नंबर देंगे, एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। तो अभी यहां पे एड्रेस दे रहे हैं, फर्स्ट नेम दे रहे हैं हम, तो फर्स्ट में और नेम में कोई गैप नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे फिर लिखेंगे वेर वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है, साइज इसकी क्या होगी, साइज जो होगी वो 30 ही रखेंगे हम, ठीक है। 30 रखने के बाद क्या करेंगे, एड्रेस हमें देना है, तो एड्रेस थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, तो एड्रेस के लिए यहां पे लिखेंगे एड्रेस, ठीक है, और यहां पे वेरिएबल कैरेक्टर कितना देंगे, वेर कैर कितना दे देंगे, यहां पे, यहां पे मैं दे देता हूं 255 कैरेक्टर्स दे देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं 255 कैरेक्टर हमने दे दिए हैं, ठीक है, और कॉमा देंगे। अब हमें इसका मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी ये स्टूडेंट होगा उसका मोबाइल नंबर लिखना है, तो यहां पे मोबाइल नंबर कर देता हूं मैं, मोबाइल नंबर, इट्स ओके। तो यहां मोबाइल नंबर भी कर दिया हमने, और ये मोबाइल नंबर इंट टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, इंट इज अ कीवर्ड फॉर इंटीजर, यू नो, ठीक है। अब यहां पे इसी को हमें क्या करना है, बैलेंस जो है इसकी फीस में, जो बैलेंस वगैरह जो कुछ भी है उसको हमें दिखाना है, शो कराना है, तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रिंट बैलेंस, ओके, प्रिंट बैलेंस। तो यहां पे प्रिंट बैलेंस हमने दे दिया है, और यहां पर क्या देंगे, ये प्रिंट बैलेंस पॉइंट में भी हो सकती है, तो यहां पर हम फ्लोट दे देंगे, क्या देंगे, फ्लोट, हमने फ्लोट दे दिया है, ठीक है। अब हमको नीचे आना है और स्मॉल ब्रैकेट को करना है क्लोज, जो यहां पर हमने ओपन कर रखा था, ये आप देख सकते हैं, यहां पे हमने जो ओपन किया था उसको अब यहां पर हमने क्लोज करना है, तो ये हमने क्लोज कर दिया है,
ठीक है, आई होप कि सब कुछ ठीक है। अब इसको रन पे क्लिक करिए आप, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यहां पर, ठीक है, तो ये यहां पे इन दोनों के बीच में गैप नहीं देंगे हम, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है, रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली ये जो टेबल है ना इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो जो हमने दिया था वो सारी चीजें यहां पे प्रिंट होकर आ रही हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी आपको देनी है 1, तो यहां 1 आ गया, ठीक है। लास्ट नेम जैसे मान लीजिए मैं अपना ही देता हूं, तिवारी यहां लिखता हूं, ठीक है, और सूरज, ठीक है, तो यहां सूरज दे दिया मैंने। यहां पर एड्रेस है तो यहां एड्रेस दे देता हूं मैं, न्यू कॉलोनी द शाइन इन कंप्यूटर सेंटर। अब देखिए जो हमने कैरेक्टर्स लिए थे वो 255 कैरेक्टर यानी 255 कैरेक्टर लिए हुए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आएगा, ठीक है। अब यहां पे मोबाइल नंबर जो भी है वो डाल देंगे, ठीक है, और जो भी बैल कैरेक्टर्स जो लेने हैं हमको उसी हिसाब से यहां पे लिखना भी है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। अब जो भी बैलेंस है, ठीक है, वो यहां दे दिया हमने, यहां ये दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हम रिकॉर्ड्स को एंटर करा सकते हैं। अब यहां पे 2 देंगे, अब यहां पे जो भी नाम जैसे हमने दे दिया गुप्ता और यहां दे दिया आनंद, ठीक है। तो इस तरह से करके हम रिकॉर्ड्स को एंटर करा सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी।